14 दिन के बाद काशी आने पर सवाल उठ रहे हैं। काशी में किसी तरह से मोदी जीत गए, जयराम रमेश ने यह कहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 9 सवाल पूछे। कांग्रेस का हर सवाल काशी से ही जुड़ा है। जयराम रमेश ने क्या कहा वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या सवाल जयराम रमेश की तरफ से पूछे गए वो हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। तो सबसे पहला सवाल जो जयराम रमेश की तरफ से पूछा गया वो आपके टीवी स्क्रीन पर, गंगा सफाई पर 20,000 करोड़ खर्च किए फिर भी सबसे प्रदूषित नदी क्यों। दूसरा सवाल, 2024 चुनाव में वाराणसी के 33 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज क्यों। तीसरा सवाल, बीएचयू के कार्डियोलॉजी विभाग में 47 में से 41 बिस्तर 2 साल से इस्तेमाल में क्यों नहीं लाए गए। चौथा सवाल जो जयराम रमेश ने पूछा, बीएचयू में यौन शोषण के मामले में बीजेपी के आईटी सेल के सदस्यों पर एक्शन कब होगा। वाराणसी पोर्ट क्यों फेल हुआ, अब इसे अडानी को क्यों बेचा जा रहा है। इसके अलावा छठा सवाल, प्रधानमंत्री वाराणसी में एक स्कूल या फिर नया स्कूल या अस्पताल खोलने में क्यों विफल रहे, क्यों नहीं खोल पाए। सातवां सवाल, वाराणसी में मैला ढोने के कारण 25 लोगों की जान आखिर क्यों गई। आठवां सवाल, वाराणसी के उन गांवों को उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया जिन्हें गोद लिया था। नौवां सवाल, वाराणसी में महात्मा गांधी की विरासत को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हैं। ये 9 सवाल, कठिन सवाल, कड़े सवाल जयराम रमेश की तरफ से पूछे गए। जैनेन्द्र वाराणसी को लेकर जो तरह तरह के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनमें से 9 सवाल जो अंडरलाइन करते हैं जयराम रमेश और इन्हीं का हवाला देते हैं कि यही वजह रही जीत का मार्जिन इतना कम रहा और जैसे तैसे जीत गए नरेंद्र मोदी यहां से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जयराम रमेश एक सजग विपक्ष की अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री जीत के बाद, तीसरी जीत के बाद बनारस पहुंचे हैं, लेकिन पिछले 2 बार के मुकाबले दिख रहा है कि जलवा थोड़ा कम हुआ है। न सिर्फ देश में सीटें कम हुई हैं बल्कि बनारस में जीत का अंतर जो है वो काफी कम हो गया। 14 में 4.25 लाख, 19 में 4.25 लाख और इस बार 1.5 लाख। तो इस यही वजह है कि विपक्ष को एक मौका मिल गया है सरकार को घेरने का, सरकार को कमजोर बताने का और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर प्रश्न उठाने का। और यही काम जयराम रमेश कर रहे हैं। उन्होंने 9 सवाल पूछे हैं बनारस दौरे पर से पहले और वो सारे सवाल बनारस से जुड़े हुए। देखिए विपक्ष पहले भी ये सवाल उठाता था लेकिन जीत इतनी धमाकेदार होती थी बीजेपी की या खुद प्रधानमंत्री बनारस में एक तरफा जीतते थे कि उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता था। अब चूंकि इस बार माहौल थोड़ा बदला है, अब इन सवालों को गंभीरता से लिया जा रहा है और तमाम बनारस को लेकर के चाहे गंगा की सफाई का मसला हो या बीएचयू का मसला हो, तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ठीक है जयनेन्द्र, मैं लौटूंगी आपके पास। अब देखिए मोदी के काशी दौरे से पहले राहुल गांधी ने भी अटैक किया है। सरकार के टिकने पर राहुल गांधी को संदेह है, मोदी की विचारधारा और छवि नष्ट हुई है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी का बुनियादी ढांचा चरमरा गया है, सरकार को टिकने के लिए संघर्ष करना होगा। राहुल गांधी का यह बयान, वीरेश क्या समझा जाए राहुल गांधी के इस बयान से जो कह रहे हैं कि अब उन्हें सरकार को टिकाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना होगा, संदेह है राहुल गांधी को। देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं, जब से परिणाम निकला है, न केवल राहुल गांधी, जयराम रमेश हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, पार्टी का कोई नेता हो, अगर हम बनारस में बात करें तो अजय राय की अभी मुझसे बात हुई, अरे अब तो हम ठीक कर देंगे, 27 भी हमारा, 29 भी हमारा। तो ये उत्साह करें, अति उत्साह कहें, विश्वास कहें, आत्मविश्वास कहें, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहें, क्या कहें, लेकिन अब तो है और झेलना तो पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भी सुनना पड़ रहा है क्योंकि परिणाम ऐसे आए हैं। और कहते हैं ना कि जब परिणाम होता है उस पर बातें होती हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बनारस में प्रधानमंत्री को मत कम मिले हैं 14 और 19 से। इस बार इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यूपी में सीटें कम हुई हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी जीत का अंतर कम हुआ है। एक सवाल ये भी बनता है वीरेश कि ये जो जीत का अंतर जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या इस जीत के मार्जिन को लेकर भी कुछ मंथन होगा, बीजेपी करती हुई नजर आएगी वाराणसी को लेकर। देखिए भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे मंथन विचार विमर्श करती रही है और ऐसे में जैसे ही मतदान कम हुआ, अंतर कम हुआ, पार्टी की सीटें कम हुई, उसी सांध्यकाल से भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान से लेकर नीचे के कमान तक के कान खड़े हो गए और उनके निरंतर की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ दफ्तर से लेकर केंद्रीय दीनदयाल उपाध्याय दफ्तर तक भी काम शुरू हो चुका है। ठीक है भारतीय आपके पास, यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी अंदर खाने इन तमाम चीजों पर समीक्षा कर रही है, मंथन कर रही है।